हेलो एवरीवन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल सा डिश जो बहुत कम ढूंढने पे मिलता है वो मैं लेके आई हूँ, जैसे पेउस, पेउस की मिठाई। वैसे तो पेउस नाम से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये है बहुत कम मिलता है। तो चलिए, अगर आप कहीं दूध लेते हैं तो आप वहाँ से आप बोल सकते हैं कि पेउस का दूध चाहिए, तो आप वो ले आइए, उसके बाद मेरा वीडियो फॉलो कीजिए, देखिए कैसे बनता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बनाते हैं आज पेउस दूध। पेउस दूध के बारे में तो आप जानते ही होंगे, चलिए जानते भी होंगे तो भी मैं बता देती हूँ। ये पेउस का दूध जब कोई गाय बच्चा जन्म देती है उस समय जो दूध निकलता है, जो बहुत ही पौष्टिक हेल्दी उनके बच्चे के लिए, बछड़े के लिए रहता है, जैसे एक माँ का दूध बच्चे के लिए रहता है, वैसे ही पौष्टिक वाला दूध है ये। तो ये है पेउस का दूध। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये कितना गाढ़ा है। देखिए ये बहुत ही गाढ़ा है और ये पौष्टिक दूध का हम बनाने जा रहे हैं मिठाई। अब चलिए इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा जो नॉर्मल दूध रहता है वो मैं थोड़ा ऐड करूँगी, करीबन आधा कप। उसके बाद चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसका वीडियो और डाला है, लेकिन मैं अभी दूसरा तरीका बताऊंगी इसको कैसे बनाना है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। बहुत ईजी है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी रहता है। अभी चीनी हम डाल दिए हैं, इसको भी इसको मिक्स कर देते हैं। ये हो गया है मिक्सअप। ये मैं इसमें डाल देती हूँ दो इलायची, ये कूट के मैं डाल रही हूँ। आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मिक्स कर दीजिए। देखिए मैंने लिया है एक कढ़ाही, इसमें मैं डाल दी हूँ पानी, ये गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और एक ये मैं थाली लूँगी, इसमें तेल ग्रीस कर लेंगे हम लोग। ये मैंने तेल ग्रीस कर दिया है, अब ये मैं सेट कर दी हूँ देखिए कढ़ाई पे। इसको हम लोग भाप में पकाएंगे। वैसे तो पहले जब गाय बछड़े सबके घर में हुआ करते थे तो उस समय तो पेउस का दूध हर किसी को मिल जाता था, लेकिन अब तो बहुत दिक्कत हो गई है, शहरों में तो ये चीज़ मिलता ही नहीं, और मिल भी गया है तो किस्मत की बात है। शहरों क्या, गांव में भी नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ जाता है। चलिए हम बनाते हैं इसको। ये मैंने डाल दिया है दूध, वैसे सारा दूध नहीं आएगा, आ गया तो अच्छी बात है। आ गया, चलिए ये तो कंफर्म है कि ये पूरा दूध इसमें आ गया। अब इसको हम लोग ढक देते हैं, ढकने के बाद इसको भाप में पकने देते हैं। इसके ऊपर कोई भारी कुछ रखना पड़ेगा। देखिए मैंने ये रख दिया है, अब इसका भाप थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाएगा तो ये रोक लेगा। चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू पकने देते हैं। चलिए फ्रेंड, ये ढक्कन हटा के हम लोग देखते हैं ये हमारा पेउस हुआ है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। वैसे तो ये हो गया है, थोड़ा सा और पका लेते हैं। देखिए हिल रहा है ना, ये हिल रहा है ना,
मतलब ये सेट हो गया है। उसके बाद ये ठंडा होने के बाद ऑलरेडी सेट हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। अरे वाह, देखिए बन गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। ओके फ्रेंड, फाइनली ये हमारा कढ़ाई से निकल गया है, इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए तो फ्रेंड, ये हमारा पेउस है। देखिए मैं हाथ से हिला रही हूँ। ये काफ़ी पानी पानी था उस टाइम और एकदम से हिल रहा था। अब देखिए ये ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में भी रख दिया था, क्योंकि इसको ठंडे ठंडे खाने में बहुत मज़ा आता है। अब चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं। मैं इसको और पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें पानी भी होती है, ये ऑलरेडी पानी इसमें मिलाया नहीं जाता है, इसमें पानी अपने से होता है। काफ़ी टेस्टी लग रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। चलिए पीसेस इसके हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसमें खूब सारा पानी रहता है और ये भी बहुत ही टेस्टी रहता है। जैसे आपने ये खाया होगा रसगुल्ला, उसी के जैसा टेस्ट रहता है इसमें। चलिए ये जो निकलते गया है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पानी भी मैं डाल देती हूँ इसमें। देखिए ये फाइनली हमारा पेउस का मिठाई रेडी हो गया है और काफ़ी टेस्टी है। चलिए देखिए मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए लग रहा है ना, काफ़ी टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपके घर के आसपास या कहीं पे भी आपको पेउस का दूध मिले तो बिल्कुल आप बनाइए, उसका टेस्ट लीजिए आप, बहुत ही अच्छा है। और आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।